And welcome back to our this official YouTube channel at the Rate Pankaj Kumar Theatre Scene. Today I am going to talk about very important discussion, especially for the organized by the Geometries. Today organized the great program of drawing competition between in child. आज हम जो है एक चित्र प्रतियोगिता हम लोगों ने आयोजन किया है और इसके आयोजनकर्ता Geometries के संस्थापक मिस्टर गणेश कुमार दुबे जी हैं और आज ये हम दिखाते हैं जो है चित्र पर आधारित और पर्यावरण बेस्ड पर आधारित यह आपको प्रतियोगिता. आइए वेलकम. ये सभी बच्चे हैं अपना ड्राइंग प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग इसका जो है मार्किंग करेंगे. मार्क करने के बाद फिर बच्चों को ऑनर किया जाएगा और इस ड्राइंग कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाले सभी बच्चे अपना बाइट्स देंगे और अपने अपने ईमेल के बारे में वो कुछ ना कुछ जो है बाइट्स देंगे और उसके बारे में बताएंगे हाउ टू थिंक दिस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोग्राम. थैंक यू. आज पर्यावरण चित्रकला पर आधारित प्रतियोगिता में 16 अभ्यर्थी प्रतिभाग किए और इन अभ्यर्थियों के द्वारा जो इन्होंने इमेज तैयार किया है, जो भी ड्राइंग बनाई है, उस इमेज के बारे में अपने ये बताएंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके साथ साथ हम पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं. आप बताएंगे लोगों को वनों की अंधाधुंध कटाई क्या है. सभी लोग ध्यान से सुनेंगे. हाँ, पास कैमरा लेकर आइए. कट जाता है तो हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलता, पेड़ लगाए तो ऑक्सीजन मिलता है और हम लोग में भी जान है, पेड़ों में भी जान है. और पेड़ कट जाएगा तो हम लोग में जान नहीं है. अगेन सेकंड क्वेश्चन. पूरे भारत में अगर जैसे वर्तमान में गर्मी बहुत तेज लग रही है, सभी को आपको भी पता है कि गर्मी बहुत तेज पड़ती है. पूरे भारत में वर्तमान में गर्मी अपने प्रचंड स्तर पर बढ़ रही है. अगर गर्मी को कम करना है तो हम पर्यावरण के क्षेत्र में या पौधरोपण के क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए. करीब से और करीब आए. पेड़ लगाना चाहिए तो सब लोग काटते हैं, इसीलिए वर्तमान में गर्मी है. क्या नाम है? अपना नाम बताया था. नैतिक शर्मा इज द बेस्ट रिप्लाई ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. थैंक यू. प्लीज सिट डाउन. अरे ग्रेट व्हाट ब्लेसिंग. एंड थर्ड क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? कौन बताएगा? वार्मिंग बैठ जाइए अभी. यानी ग्लोबल वार्मिंग हिंदी में बता रहे हैं जो भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है. यह तापमान क्यों बढ़ रहा है और कौन बताएगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में? वेरी इजी क्वेश्चन. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यह है, इधर एक बार ध्यान रखें, जो पृथ्वी का वैश्विक भू तापमान है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है. मतलब अगर यदि आप किसी वृक्ष के नीचे अगर जाकर के बैठे, वहां आपको शीतलता महसूस होगी. जैसे ही किसी कमरे के अंदर जा रहे हैं बहुत हीट हो जाता है. जमीन धरती पूरी तरीके से तप रही है, यही ग्लोबल वार्मिंग है. यानी प्रत्येक वर्ष लगभग एक दशक में 0.26 डिग्री सेल्सियस. अब जानिए एक दशक में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्रोथ कर जाएगा और यही ग्लोबल वार्मिंग, भू तापमान बहुत तेजी से बढ़ना, तेजी से तापमान का लगातार ग्रोथ करना, ये है आपका ग्लोबल वार्मिंग. और ये पूरे विश्व के स्तर पर बढ़ रहा है, ना कि केवल भारत में ऐसी सिचुएशन. इसी सब रीजन की वजह से ग्लेशियर लगातार पिघलता जा रहा है. आज हमें जो हमारी माँ गंगा, जिसे हम सुरसरी कहते हैं, जहाँ से वो मुंह से निकल रही हैं, वो ग्लेशियर तक पिघलते जा रहे हैं. अगर लगातार इसी तरीके से ग्लेशियर पिघलते रहें तो एक वक्त ऐसा आएगा चारों तरफ पानी पानी ही हो जाएगा. ग्लेशियर पिघलेगा तो निश्चित तौर पर बाढ़ आ जाएगी पूरे विश्व में. तो ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती हुई वैश्विक तापमान जिसको कहते हैं सरल भाषा में, ठीक है, वैश्विक तापमान का मतलब पूरे विश्व का ज्यादा टेम्परेचर. अब समझ में आ गया आप लोग को कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहेंगे. अब आप बताएंगे पौधों को
अधिक स्तर पर पौधरोपण करने के लिए और विधि किस माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, और कौन सी विधि हो सकती है जिससे युवा वृक्षारोपण की तरफ ज्यादा ध्यान दे। चलिए कोई बताए बढ़िया, और कोई विधि, और कौन सा ऐसा विधि हो सकता है जिसको प्लांटेशन बढ़ाने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को ग्रोथ किया जा सकता है, यानी बढ़िया कोई बताए यादव, जैसे सिंपल सवाल, बहुत सरल जवाब है। ये आपने जो इमेज बनाया है ना, ये जागरूक करने के लिए लोगों के बीच है। जब लोग ये इमेज देखेंगे बनाया प्रोग्राम है, पहला चीज हम चित्र और प्रदर्शनी के माध्यम से पर्यावरण में जागरूक कर सकते हैं एक दूसरे को। और कौन सी विधि हो सकती है, सोशल मीडिया पर अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करके। और कौन सी विधि हो सकती है, और अब ये बताइए क्या रीजन है कि वर्तमान में भारत पहले अभी कुछ वर्ष पहले 5 से 6 साल पहले आम के आसपास के पौधे सूखते जा रहे हैं, कौन बताएगा पौधे क्यों सूखते जा रहे हैं, बताए कोई नहीं बताएं पौधे क्यों सूख रहे हैं, जब अब रोके दीजिए पास से लोग पास, हाँ बताइए क्यों पौधे सूख रहे हैं। पौधों को अगर हम कभी पानी नहीं देंगे तो वो अधिक से अधिक धूप से और गर्मी से सूखते जाएंगे। अभी एक घंटा मैं भुला देती हूँ पानी, देखो हिसाब करो जब आप श्रेया बताएंगे, श्रेया बताओ पेड़ क्यों सूख रहे हैं, पेड़ इसलिए सूख रहे हैं अगर हम उन्हें पानी नहीं देंगे और तापमान 44 डिग्री पे बढ़ता जा रहा है। गुड और एक और धूप के वजह से, धूप के कारण और क्या हो सकता है। अच्छा ये बताओ अगर बच्चों को जागरूक करना है कैसे पर्यावरण के लिए जागरूक करूंगी, किस विधि से, छोटे बच्चों को पेड़ ज्यादा लगाना चाहिए और क्या नाम है पानी भी देना चाहिए, और इसके अलावा और कौन सी विधि हो सकती है। ठीक है ओके दैट्स इनफ, सोचते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई एम गोइंग टू टॉक दिस डायलॉग विद मिस्टर गणेश दुबे। आज हमारे साथ क्यूमिट रीच पर्यावरण संस्था के संस्थापक मिस्टर गणेश दुबे हैं, और उन्होंने लगातार बढ़ते भूमंडलीय तापमान वैश्विक तापमान की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, उन बच्चों के अंदर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जागरूकता को लेकर के उन्होंने इतना बेहतरीन चित्रकला प्रदर्शनी के माध्यम से, ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से इन ग्रामीण छात्र छात्र या छात्रों के बीच छात्र एवं छात्राएं उनके अंदर एक तरह तरीके की अलग जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। आइए हम उनसे उन्हीं के इस सकारात्मक विचार और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ और वसुधैव कुटुंबकम को संदेश देने वाले मिस्टर गणेश दुबे से जी से मिलते हैं। आई वेरी वार्म वेलकम अभी डॉक्टर सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका मेरे कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं और बच्चों को आप जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, जैसा पंडित जी कहा आपने कि बच्चों को क्यों यहाँ मतलब ग्रामीण स्तर पे जागरूक आप कर रहे हैं, और मुझे बहुत रियली इस बात के लिए मैं आपको दाद देता हूँ। आपको पंडित जी बताना चाहता हूँ कि जब बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआती की शिक्षा वो प्लस के कारण अपने माँ बाप से सीखा, अपने गाँव से सीखा। ठीक, मैं दिल्ली में, भदोही में, ज्ञानपुर में व अन्य स्थलों में पौधारोपण किया, लेकिन मेरे गांव के ये जो लड़के हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, मैंने सोचा अभी सब छोटे बच्चे हैं, सब पौधारोपण कर सकते हैं, सब पेड़ रख सकते हैं, लेकिन इस समय तापमान बहुत अधिक है। ठीक है, हमने आज पौधारोपण न कराने की वजह से मैंने चित्रकला प्रदर्शन का आयोजन किया। अभी और जितने लोग बैठे हैं सब जागरूक हैं पर्यावरण के प्रति, आज हम लोगों ने चित्रकला प्रदर्शन का आयोजन किया है, लेकिन हम जब साप्ताहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम जनपद में करेंगे तो हम सभी जितने बच्चे हैं यहाँ के नेतृत्व में
ना, वो दर्जन बच्चों ये समस्त अपने घरों में हम एक एक पेड़ भेंट देंगे, आज चुला जो भी किया जाएगा दिया जाएगा, इसके बदले हम जुलाई में जब अपना वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे सभी को एक एक पेड़ वितरण करेंगे, वो अपने घर में लगाएंगे और उनका एक एक पेड़ जब देखभाल करेंगे तो आने वाले 7 साल बाद वरिष्ठ डे पे कम से कम दर्जनों पेड़ अपनी शाखाएं फैलाएंगे और उसके तरह पशु पक्षी मनुष्य सब वहाँ सुंदर छाया प्रदान करेंगे। वास्तव में यह ग्रामीण स्तर पर एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। और दूसरा प्रश्न ये है कि ज़्यादातर लोग शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में CBSE स्कूल्स में इस तरीके के कॉम्पिटिशन ज़्यादा कराए जाते हैं, मैंने देखा है यहाँ पर, लेकिन आप कहाँ से इस तरीके की प्रेरणा अंदर आती है एक तरीके की जो है कि मैं कुछ अलग तरीके से करूं ताकि छात्रों को, इसके अलावा ग्यूमेट्रीज क्या क्या करती है, आप अपने ग्यूमेट्रीज के बारे में बताएं। आप देखिए प्रगति जी, हम लोगों ने 1 जनवरी 2024 से कार्यक्रम का शुभारंभ किया था नई दिल्ली में पार्क से, और भदोही की पूरी टीम दिल्ली में रहती है, लोग हमारे जितने टीम के सदस्य मेंबर हैं ग्यूमेट्री के सभी लोग पौधारोपण करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि 2 महीने से हम पौधारोपण नहीं करें, मई और जून बड़ी तापमान है और पेड़ सूख जा रहे हैं, तो दर्जनों को हमने लगाए पेड़ सूख गए। जब हमने काम आया तो सर्वप्रथम आपकी एक बात हमें पता नहीं कितना ऊर्जा देती है, कोई भी कार्य किया जाए सकारात्मक ऊर्जा के साथ सकारात्मक, तो हमने मुझे लगा कि गाँव के बच्चों के लिए उनके लिए ऊर्जा और उन्हें जागरूक करने के लिए, क्योंकि उपहार चाहे 10 पैसे का हो चाहे 10 लाख का हो, बच्चों को आज हम अपने गांव के बच्चों को, ठीक है, या मैं चाहता मैं विद्यालय में भी जाके प्रतियोगिता करा सकता था, लेकिन विद्यालय लोग जानते हैं, लेकिन हमें लगा नहीं ये मुझे विद्यालय प्रतियोगिता नहीं कराना चाहिए, पहले मेरा जहाँ जन्म है, जहाँ मेरा कर्म है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, मैं अपने नगरों में अपने क्षेत्रों में अपने कस्बों से शुरुआत करूँ, ये मेरा पहला कार्यक्रम है जो कि नेतृत्व द्वारा मेरे क्षेत्र भदोही में चल रहा है। Applause everyone, because this image is very incredible. A big hand of applause. What is your name? दर्शिका दुबे. Best of luck for your drawing picture. गणेश दुबे जी, इस पर क्या करना चाहते हैं? इस पे देखिए, यह बहुत ही खूबसूरत चित्र है और पर्यावरण और क्या देख सकते हैं आप, जैसे हम बता नहीं पाएंगे कि इस खूबसूरती को किस तरह से दर्शाया गया है। ये मकान है, मकान के सामने वृक्ष, और दर्शिता ने संदेश दिया है कि अपने मकान को उस 2 फीट पीछे बनाइए, लेकिन आगे 2 फीट जगह छोड़ दीजिए, वहाँ पे आप पेड़ लगाइए और उस पेड़ को सुरक्षित रखिए। वास्तव में और इस इमेज का मीनिंग एक और हो सकता है कि अपने आसपास का वातावरण हमेशा हरा भरा रखें और साथ में प्रत्येक दिन पौधों को सिंचाई जरूर करें। थैंक यू मिस दर्शिका, इससे लोगों के अंदर जो है पर्यावरण जागरूकता आएगी। ठीक ओके थैंक यू पायल। अब ये बताइए, अंशिका नाम है आपका? अंशिका, ये जो हैंड में लिया है अर्थ को, पूरी पृथ्वी को, ऐसा क्यों बनाया? दर्शिका ने लिखा है, अ ट्री इज अ बेस्ट गिफ्ट इज गॉड, एक वृक्ष भगवान के द्वारा दिया गया सबसे अच्छा उपहार है। अब भी हैंड ऑफ ऑफ एप्लॉज। रोक दीजिए अपना इमेज को, वहां रख लेना जितने लोगों को मैं कहूंगा।
एक लड़का और था जिसने बादल बनाया था, कौन था वो नाम? उस बादल किसका था? तुम इधर आ जाओ थोड़ा, इनका इमेज के लिए नेहा ने अपना इमेज तो है सही बनाया है, बस पेंटिंग थोड़ा जब सही तरीके से मतलब गांव की लड़कियों के साथ मेरे सामने डरे तो मंच पे कैसे बोलेगी, इसको विद्यालय में से प्रतियोगिता भाषण करते भाग लेगी, पहले तो डर किसके किसके अंदर है, कौन बोलेगा, कौन बोलता है मंच पे? अभी जब सर मैंने बोले मंच बोले थे नहीं स्कूल में, तब बोलना चाहिए ना। अभी मैंने जस्ट आप लोगों के सामने बोला था अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राई देनी, पहले डर को निकालो अंदर से, जब तक आप गलती रहेगा कुछ नहीं कर पाओगे, जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप सभी कर ही नहीं पाओगे, गलतियां सभी से होती हैं। मैं भी इमेज अगर बना रहा तो पहली बार में थोड़ा मेरा सही हो गया था, ये तो पहला कार्यक्रम उन्होंने चुका है, ये तो 15 अगस्त को भी हम कार्यक्रम करेंगे यहाँ पर, बड़े पैमाने पे सारे बच्चे जितने बच्चे सब रहेंगे सब रंगोली बनाएंगे, सारे बच्चे मिलकर तिरंगा लहराएंगे शंकर जी के मंदिर पर, फिर मिठाई खाएंगे सारे बच्चे 15 अगस्त को, अपने काम को आगे बढ़ाना है। कितना तुम्हारा सेकंड वाले का? हो गया तुम्हारा बेटा? डरा मत करो और डर एकदम निकाल दो, शर्मा मत रखो, ठीक है? हाँ रोक दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो कोई रील नहीं बनाएगा, ठीक है, जितने लोग यहाँ पे हैं, और रील बनाएगा तो केवल शिक्षा पर, ठीक है, पर्यावरण पर, स्वच्छता पर और जागरूक के लिए रील बनाएगा। अभी हैंड ऑफ द रील बनाएगा, ठीक है, आप लोग सोशल मीडिया से बचिए, ठीक है ना? बस ओके ओके रे सर, प्रथम दर्शिका आपने जो चित्र बनाया, जो चित्र में आपने दर्शाया है सब कुछ, ठीक है ना, आपका चित्र बहुत ही खूबसूरत है, वो लोगों को संदेश देगा कि पेड़ लगाना कितना आवश्यक है, पेड़ बचाना कितना आवश्यक है, ठीक है, मकान के सामने कितना जगह छोड़ना आवश्यक है कि पेड़ हमारा सुरक्षित है। इसी तरह पर्यावरण जागरूकता के लिए चित्र के साथ साथ आप पेड़ लगाइए। मैं 15 मिनट आपको प्रथम स्थान पर प्रथम स्थान स्थान जो पोजिशन स्वीकार हो गई। आप कुछ कहना चाहेंगी?
लगाना कितना आवश्यक है? कुछ भी बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। रोक दो, थोड़ा रोके। मिस्टर रितेश, रितेश शर्मा, कुछ बोलने पर ये बताओ रितेश, आपने जो चित्र बनाया है, ये चित्र कहाँ से देखे, कैसे चित्र बनाया आपने? मतलब टीवी पे देखा था कभी कि न्यूज में देखा था? अच्छा, फोन से देखे आपने ये चित्र? देखिए, सोशल मीडिया का ये भी सकारात्मक का लाभ होता है, तो आप सोशल मीडिया को सही तरीके से प्रयोग करें। इन्होंने, नितेश शर्मा ने जो है एक सकारात्मक रूप से परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण के प्रति दिया। वास्तव में आप बिग हैंड ऑफ अप्लॉडिंग। नितेश शर्मा सेकंड, सेकंड पोजीशन, ताली बजाओ। नैतिक, नैतिक ये हमारे गांव के पंकज भैया नैतिक। आप नैतिक के जो चित्र बनाए हैं, ये चित्र किसी किताब में से देख के बनाए हैं, कौन से देख के बनाए हैं? और तस्वीर बनाने में कितना समय लगा नैतिक आपको? ये एक घंटा। अच्छा, तो एक घंटे में आप चित्र बना रहे थे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है चित्र बनाते हुए? आप क्या सोच रहे थे कि मैं फर्स्ट आऊँगा, सेकेंड आऊँगा, थर्ड आऊँगा, क्या कुछ सोच रहे हैं? नहीं सोच, लेकिन वक्ता बहुत अच्छे हैं। पर्यावरण के पास बेल बोलते बहुत। आप पर्यावरण बताइए, पेड़ लगाना कितना आवश्यक है? पेड़ क्यों लगाना चाहिए? हाँ, पेड़ लगाना चाहिए क्योंकि पेड़ से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, उसी हम लोग जीवन संभव बता। श्रेया, जो चित्र सामने हो, ये जो चित्र बनाए हो, कहाँ से देखे? फोन से देख के। चित्र कितना घंटा लगा था चित्र बनाने में? आधे घंटे के। नेहा, नेहा, चित्र कहाँ से बनाए? फोन में से या देख के कहीं से? अच्छा, बुक में से देख के। यहाँ पे तीन लोगों ने मोबाइल से देख के बनाया था, चार लोगों ने, लेकिन नेहा ने किताब में से। अभी हम लोग आजकल फोन से बचिए, फोन आपको देगा जरूर शिक्षा, लेकिन वो आंखों की रोशनी कम करके देगा, वो आपको परेशान करेगा। पुस्तक पढ़िए, ये पंकज भैया है, ये 24 घंटा में 17 घंटे पुस्तक पढ़ते हैं, 17 घंटे पढ़ाई करते हैं घर से, और हम और आप 5 घंटे पढ़ते हैं, किताब में ज्यादा ज्यादा समय लगा। नेहा, कुछ पौधरोपण के बारे में बोलो। नेहा, पता है वो पेड़ लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? क्यों लगाना चाहिए? शिवांगी, वैसा आप करेंगे? शिवांगी आओ, शिवांगी, शिवांगी, आपने जो चित्र बनाया है, ये चित्र में आपने क्या लिखा है नीचे? हाँ, सेव ट्री, पेड़ बचाओ और जल बचाओ। मैं इसकी अपने हृदय की गहराई आनंद और बधाई देता हूँ, ये संदेश अपने हृदय में। आप बिग हैंड ऑफ अप्लॉड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, ये छह बच्चे हैं, जिसमें से प्रथम दर्शिका दुबे, सेकेंड नितेश शर्मा, थर्ड नैतिक, फोर्थ श्रेया, फाइव नेहा और सिक्स शिवांगी। और आप सभी पुरस्कार आप लोगों को मिलेगा, आप लोग बहुत ही अच्छा चित्र आप लोगों ने बनाया है सब लोग, ठीक है सब लोग, रानी, आप, रितिका, इस्था, क्या नाम है आपका? परी, परी सुबह से तीन बार आई, परी को मैं दो दिन ताली बजाएं एक बार परी के लिए। देखिए, चाहे तो ये अगर जैसे होता है कभी कभी लोगों को भ्रम रहता है कि फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, श्रेया इनके घर की थी, उनको हम लोग फर्स्ट पोजीशन नहीं, जिसको जो प्रतिभावान होगा, जो बेस्ट होगा, यहाँ सबसे बेस्ट दर्शिका, दर्शिका, इसलिए हमने दर्शिका को प्रथम रखा, सेकेंड हमने नितेश को रखा। नितेश बहुत कुछ उसमें दर्शाया है, हाँ, पेड़ के साथ बादल और ये ठीक, तीसरा नैतिक,
श्रेया नेहा सिक्स। अब एक लोग सब लोग यहाँ पे पेड़ ले ले अपना जिसका जो है यहाँ पे आराम से एक ही लोग और खोल के दोनों हाथों से ऐसे देखे ठीक। एक इमेज कैसे लेना मैं बता रहा हूँ, इमेज कैसे बता रहे हैं ऐसे कभी भी जैसे ऐसे ओपन किया जाता है इमेज सीधा सीधा इस तरीके से ऐसे ये ऐसे मुड़ा हुआ है ना नीचे का ये थोड़ा सा हल्का सा खड़ी हो जाओ इमेज तो दिखाओ इसको बाइक थोड़ा हल्का सा आगे करिए तो थोड़ा सा रुके रहिए रेडी एवरीवन रुक जावा इंडिकेट ऑफ द विक्ट्री फोर्ज सब लोग करो एक लोग को कह रहे हैं क्या एक फुट गया तो पकड़े नहीं अंगुरिया की नरवास पकड़े ना ऐसे हो देखो इसी जैसे अब एक मेरा ले लेंगे। शिक्षक जागरूकता कार्यक्रम में ये सभी बच्चे पर्यावरण चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से उन्होंने अपनी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और साथ ही साथ भारत ही नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर सकारात्मकता जागरूकता फैलाते हुए सभी को एक संदेश दिया। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ बोलो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ और इस दुनिया को हरा भरा बनाओ इस दुनिया को हरा भरा बनाओ। पेड़ लगाएंगे सभी लोग हरियाली पूरे भारत में फैलाएंगे yes! और वातावरण को कैसे बचाएंगे पौधरोपण करके कैसे थैंक्स थैंक्स फॉर ग्रेट वाइब्स एवरीवन थैंक्स अगेन थैंक्स वेरी वार्म वेलकम एंड बेस्ट आफ्टर फॉर योर टीचर अभी सेकंड पोजीशन Nitesh, best of luck for your future. Very good. For your future. क्या है? वो पढ़ो नहीं को और आगे बढ़ो ऐसे। Third position. Nitesh. इस बीच बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं ये। और नेहा पुला गदी कहाँ है मेहनत से बना और ठीक है तुम जागरूक करो ऐसे Best of luck for your future. This is for painting.
एसपी डीएसपी उन्हें सलाम करते हैं। इस कस्बे के बहुत बड़े आदमी और सरपंच हैं वो। अ न्यू बिगनिंग कमिंग सून पंकज कुमार सियासी एकेडमी। यू कैन डू इट, सक्सेस इज योर डेस्टिनी। स्टैंड अप, नेवर गिव अप। ग्लोबलाइजेशन ऑफ फ्री एजुकेशन ऑन यूट्यूब।